परम पूज्य नेर्यापक्ष रमण मुनि पोंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का इन दिनों हरिपर्वत के श्री शांतिनाथ सागर सभागार में अमृत सुधा वर्षा योग चल रहा है। वर्षा योग में चल रही धर्म सभा में गुरुवर ने भक्तजनों को जैन धर्म में दान का महत्व समझाया। परम पूज्य निर्यापक्ष श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज का इन दिनों हरि पर्वत के श्री शांतिनाथ सागर सभागार में अमृत सुधा वर्षा योग चल रहा है। वर्षा योग में चल रही धर्म सभा में गुरुवर ने भक्तजनों को जैन धर्म में दान का महत्व समझाते हुए कहा कि आप मंदिर में दान किश्तों में ना दें। इसका आपको जब पूर्ण पुण्य मिलेगा जब आप इस दान को पूरा नगद में दें। पंचायत बैठने के बाद फैसला हुआ, सब बहस हुई तो एक ने कहा ऐसा करो 500 मोहरे दंड में करो। दूसरा कहता मर जाएगा रे, 500 मोहरे कहाँ तक देगा। दूसरे सब कहते कहते 5 मोहरों पर निर्णय हुआ। तीसरा कहता 5 मोहरे कहाँ तक देगा, बाल बच्चा वाला है, घर गृहस्थी का वाला है और आगरा जैसे शहर में रहता है, महंगा शहर है, खर्चा पानी लगता है। और एक ने कहा ठीक है, 5 मोहरे दंड में दी जाती हैं, वो भी किस्तों पर, 5 साल की किस्तों पर किस्तों पर फैसला हो गया। ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे कभी कोई दान देने की बात, जब तुम किस्तों पर मांगने की बात करो, समझ लेना तुमने अपनी औकात दिखा दी कि मैं गरीब हूं। किस्तों पर जब तुम्हें दान की बात आवे, कमेटी कहे किस्तों पर मत देना महानुभाव, यदि शक्ति हो, मैं आपसे पूछता हूं, यदि आप कोई गाड़ी उठा रहे हो और आपके पास पैसा है तो आप नगद में उठाना ज्यादा मंजूर करोगे या किस्तों पर? किस्तों में कौन उठाएगा? कभी भी दान तुम्हें किस्तों पर देने का मौका मिले, यदि तुम सही धनवान हो तो कमेटी की कृपा मत समझना, कमेटी कृपा मत समझना, ये बहुत बड़ा अभिशाप है तुम्हें कि तू भली अमीर है। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि इतना गरीब है कि मैंने दान पर भी किस्तों में कहा है, ये बेइज्जती है तुम्हारी। धनवान व्यक्ति को यदि कभी किस्तों पर दान देने की बात आए, तुरंत कहना क्या समझते हो तुम मुझे, क्या समझते हो किस्तों पर, क्या समझते हो, ये पकड़, भोजन बाद में होगा, पहले दान की बोली चुकेगी। यह अमीरी का लक्षण है। जो व्यक्ति कमेटी की तरफ से किस्त दी जा रही है, कमेटी किस्तों पर छूट दे रही है कि नहीं आराम से दे देना, किस्तों में दे देना, महानुभाव मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, यदि समर्थ हो तो किस्तें स्वीकार मत करना, नगद देना। अमृत सुधा वर्षा योग में चल रही गुरुवर की धर्म सभा में प्रवचनों का श्रवण कर धर्म लाभ ले रहे डॉक्टर राजीव जैन ने कहा कि गुरुवर के प्रवचन जीवन को एक नई दिशा देने वाले होते हैं। सुबह हम 5 बजे आते हैं, गुरु पूजन करते हैं, पहले महाराज जी के पाद प्रक्षालन करते हैं, उसके बाद शांति धारा में पूरा सहयोग रहता है महाराज जी का, और उसके बाद हम 8:05 से लेकर 9:45 तक महाराज जी के प्रवचन का आनंद लेते हैं, और उसके बाद आहारचर्या पूरी में भाग लेते हैं, उसके बाद शाम को जिज्ञासा समाधान में 6 से 7 जिज्ञासा समाधान में रहते हैं। गुरुवर सुधा सागर जी महाराज यहाँ आगरा में विराजमान है और रोज उनका बहुत ही सुंदर प्रवचन चल रहा है, रोज नित नए नियम और संयम वो हमें दे रहे हैं और बहुत अच्छी मार्गदर्शन वो हमें दे रहे हैं, जीवन को कैसे जिए, घर को कैसे शुद्ध रखें, कैसे हम अपने आचरण को सुधारें, कैसे पूजा पाठ विधान करें, और बहुत सारी जानकारी, रोज नित नई जानकारी हमें मिल रही है और बहुत सुंदर प्रवचन यहाँ चल रहा है। धर्म सभा में प्रतिदिन गुरुवर के प्रवचन का श्रवण कर धर्म लाभ ले रही रश्मि जैन ने बताया कि आज गुरुवर ने दान का क्या महत्व है इस पर प्रवचन दिए हैं।
आज मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी ने बताया कि दान का अपने जीवन में विशेष महत्व है, और दान जब हम बोलियां लेते हैं तो उसको किस्तों में ना देखें, तुरंत दें। अगर हम दिनों में अगर इस दान को देते हैं तो निर्माल द्रव्य माना जाता है, वो हमारी परिस्थितियों को भी पीछे करता है। अगर हम अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो दान को तुरंत दें। गुरुवर के प्रवचन तो बहुत प्रभावशाली हैं और हमारे जीवन को संवारने वाले हैं। उनको सुन के तो बहुत अच्छा लगता है, ये आनंदमय जीवन हो जाता है, बल्कि उनके दर्शन भी इतने प्रभावशाली हैं। हम लोग उनके दर्शन के लिए तरसते हैं, उनके दर्शन पाकर ही हम अपने को बहुत ज़्यादा धन्य समझते हैं कि हमें बहुत गर्व होता है हमने जैन कुल में जन्म लिया। और हमारी आगरा नगरी में मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज का पदार्पण हुआ है। जो हमारा आगरा में जैन समाज है, हम सुधा सागर जी के दर्शन मात्र से ही इतने गदगद हैं, अंदर से इतना मन करता है बस रोज यहीं आएं और रोज प्रवचन सुने और उनको अपने जीवन में धारण करें। दुखी व्यक्ति कभी भी अपने से समृद्ध व्यक्ति से किसी भी तरह की उम्मीद ना करे। समृद्ध व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि दुख क्या है। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।